इंक्वायरी शुरू करें, किसी के पास हथियार है तो यहाँ रख दे। हथियार रख दो। आप भी अपने आदमियों से कहिए। हमारे पास हथियार तो नहीं, बस यही सारी चीजें हैं। ए बकवास बंद कर। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है तो हमारे इतने आदमी कैसे मारे गए? ठाकुर साहब, तुम सच से अनजान हो। तुम नहीं जानते यहाँ क्या हुआ था। तुम सिर्फ अपने जीजा को बचाने की कोशिश कर रहे हो। कलेक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पिछले साल यहाँ देवी की पूजा थी, इन्हीं के ग्रोह का एक आदमी उत्सव के दिन शराब पी के आया और हमारे लोगों को मारने लगा। उस गुंडे से पहले इस बात का जवाब मांगिए। और इसीलिए तुमने हमारे पूरे गांव पर माँ के उत्सव में शामिल होने से रोक लगा दी। तुम लोग अगर वादा करते हो कि आगे से ऐसा नहीं होगा तो तुम आ सकते हो। ये होता कौन है हम पर रोक लगाने वाला? मैं देखता हूँ देवी माँ की पूजा में शामिल होने से हमें कौन रोकता है। चलिए भाई साहब। अपने देश में कोर्ट केसेस इन्हीं लोगों की वजह से नहीं सुलझते। पता नहीं देवी माँ के उत्सव में अब क्या होगा। रुको, पालकी रोको। चलते रहो। ये क्या कर रहे हो? ये हो क्या रहा है? भैया, मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम देख लिया तूने? तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। गुस्सा अगर ठंडा होता है तो छाती पे क्यों, सर पर पैर रखो। गांव वालों को इस तरह मत सताओ। औरतों की इज्जत लूटना बंद करो। एक ही शर्त पर इन मासूम गांव वालों को छोड़ सकते हैं, अगर तुम देवी माँ की पालकी हमारे गाँव ले चलो। जल्दी बोलो, वरना इसी वक्त गांव वालों को मौत की घाट उतार देंगे। मैं तैयार हूँ। रुक जाओ रघु, वही रुको। नंदिनी, आरती उतारो। देवी माँ के चढ़ावे में जितना भी पैसा और सोना जमा होता है ना, अब वो तुम नहीं हम संभालेंगे। भाई साहब, उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, क्या कभी उनका जुल्म खत्म होगा? उन्होंने मेरी बीवी की इज्जत लूट ली, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे सारे खेत तबाह कर दिए। हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बताइए, हम उन जालिमों का अत्याचार कब तक सहते रहेंगे? आखिर कब तक? आज तक देवी माँ का प्रसाद हम आपके पुण्य हाथों से खाते थे, अब उनके हाथ से प्रसाद कैसे खाएं जिनके हाथ खून से रंगे हो? मैं क्या करूं भाइयों, उनकी इंसानियत मर चुकी है। हम सबकी भलाई चाहते हैं पर वो चाहते हैं खून खराबा। हम भगवान को मानते हैं, वो दंगा फसाद चाहते हैं। उनका सामना करने के लिए हमें एक सेना तैयार करनी होगी। हम हर परिवार से एक बच्चा तैयार करेंगे। ऐसा समझ लेना कि तुमने उस बच्चे का बलिदान दे दिया। अपने गांव की रक्षा करने के लिए हमें यह बलिदान तो करना ही होगा। हर परिवार ने अपना एक बच्चा इस काम के लिए बलिदान कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरी बारी। नरसिम्हा, नरसिम्हा।
चाचा जी, जिस दिन का आप बेचैनी से इंतजार कर रहे थे वो दिन अब दूर नहीं। जाइए, उन्हें पूरा हिसाब किताब समझाइए। पिताजी, रघु का कोई आदमी संदेश लेके आया है। आदमी आया है जी, संदेश लेकर? हाँ। बहुत हिम्मत है साले में जो शेर की गुफा में चला आया। बुलाओ उसे। पूछ इसे संदेश क्या है। संदेश ये है, हमारे लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के पैसों से तुमने 500 एकड़ जमीन खरीदी और 15 सालों तक फसल उगाकर पैसे कमाए। उनका हिसाब होता है 20,54,76,396.50। वो पैसे तुम्हारे नहीं है। मंदिर के उत्सव के दिन वो पैसे गांव वालों को लौटा देना। क्या? तुमने हमारे सरपंच की छाती पर अपना पैर रखने की बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए तुम हमारे सरपंच रघु जी के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगोगे। रुक जाओ बेटा, बस इतना ही या कुछ और भी है? उत्सव के दिन तुमने दंगा किया था, इसीलिए अपना मुंह काला करके तुम्हें 1,000 उठक बैठक करनी होगी। छोड़ दो उसे। और ऐसा ना करूं तो? तो उसने चेतावनी दी है कि वो तुम्हें खत्म कर देगा। वो कौन? नरसिम्हा। वहीं रुक जाओ, मेरा बेटा भगवान की पूजा कर रहा है, बीच में रोकना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे बेटे ने मुझे चुनौती कैसे दी? ए, चलो। तुम नहीं जा सकते। ए, तू रोकेगा मैं? रुक जा बेटा, मैं बिना शोर किए तेरे उस कमीने बेटे को पूजा से कैसे उठाता हूँ तू देख। ए, इस साले रघु को इतना मारो कि उसका बेटा यहाँ बाहर आए अपनी पूजा छोड़कर। देखते क्या हो, मारो। जोर से चिल्ला चिल्ला, नरसिम्हा भारत तू। आरती खत्म होने से पहले बुला उसे, बुला। पिताजी, तुमने भी मेरे पिताजी के साथ यही सुलूक किया था ना जब मैं बहुत छोटा था, तब तो तुम साले बहुत उछल रहे थे। अब साले तुम्हारी बारी है पिटने की, बुलाओ अपने बेटे को तुम्हें बचाने के लिए, बुलाओ साले। हथियार के साथ निहत्ते से लड़ता है, ये कहाँ की बहादुरी है? फेंक उसे, फिर दिखाता हूँ। Hey!
अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई तो आ गया हो। पंडित जी थोड़ा इंतजार कीजिए, चाचा जी आते ही होंगे। मैं तेरे सिंदूर की कसम खाकर कहता हूं, जब तक उस नरसिम्हा की चिता नहीं जला देता तू अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ेगी, माथे का सिंदूर नहीं मिटाएगी, गले का मंगल सूत्र नहीं निकालेगी, कसम खाता हूं। नमस्कार प्रकाश जी। हाँ ये आइए पंडित जी, कैसे हैं आप? गलत टाइम पे छींकता है मनहूस। अरे पंडित जी आप हमेशा इस मनहूस को साथ में क्यों ले आते? सही कहा, बहुत बड़ा मनहूस है, मैं अकेला ही आने वाला था, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से सिंगल पंडित नहीं चलता, मैं क्या करता? आप घोड़ी चढ़ना चाहते हैं? पंडित जी क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैंने आपको अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए बुलाया है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लाएं। बिल्कुल मत डरिए, मेरे होते हुए स्पीड ब्रेकर नहीं आ सकता, मुझे पूरी दुनिया मैच फिक्सर कहती है, वैसे दुल्हन का है। अंदर बैठिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक खुशखबरी है, मेरे हाथ में खुजली है, सामने दो कन्याओं में से बड़ी के लिए रिश्ता है, मिलिट्री में खाना बनाता है, क्यों छोटी बहना, रिश्ता अच्छा है ना? हो जाएगा सरहद पार लड़ने, दीदी रह जाएगी घर में अकेले, दीदी को अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, कोई दूसरा है तो बताओ। ओ, मेरी बिल्ली मुझी से मैं ठीक है। अरे रे 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 रे, ये दुनिया क्या चाहे, मनी मनी, लड़के का नाम है सनी, जिसकी फितरत है फनी, ये एक आईपीएस ऑफिसर है तो हमेशा चले तान कर सीना, गुनेगारों का फाड़ कर निकालता है पसीना, बोलो ये लड़का तुम्हें पसंद है ना? राउडी लोग, गुंडा लोग, नक्सलाइट लोग, इनसे रोज दुश्मनी लेगा तो एक दिन टपक जाएगा, उसकी तो खड़े खड़े लग जाएगी तंदाना। अपना गुगली बॉल फेंकना पड़ेगा, दिखाओ लड़का जो ना हो कड़का, ना जैसा फुर्तीला, टेंशन मत लो डसेगा नहीं, गारंटी वारंटी अश्योरिटी मेरी, प्रॉफिट तुम्हारी, पॉलिटिक्स में है कमाल, सीएम बन के बन जाएगा माला मार, स्कैम में फंसेगा वो, सीबीआई पड़ेगी उसके पीछे कुत्तों की तरह। मैडम अगर आप हाथ में दिया लेकर भी ढूंढेंगी तो पूरे शहर में ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे, मैं बाउंसर फेंकता हूँ आप सिक्सर मारती है, कोई भी लड़का दिखाओ आपको पसंद नहीं आता है, जोड़ी जमाने के लिए 101 नमूने है, जब ये शादी के लिए तैयार हो तो मुझे बताना, शादी के दिन 101 रुपए की दक्षिणा मैं दूंगा। गुरुजी लगे आज मेरी भी पेमेंट दे दो ना। तुझे पेमेंट चाहिए मनहूस, जब भी तू मेरे साथ आता है मेरी बॉडी नहीं होती, जयराम जी की। छुटकी हमेशा तू अगर उसे ऐसी भगाती रही तो मेरी शादी कभी नहीं होगी, देखो मैं तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मिलिट्री पुलिस पॉलिटिक्स राउडी एनआरआई इन सब से तुम्हें एलर्जी है ना, कोई जरूरी है कि हर कोई शादी के झमेले में फंसे, अगर ना करो तो भी चलता है, बस एक हैंडसम सा लड़का ढूंढो उसे उल्लू बनाओ हम दोनों का काम निकल जाएगा। मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंडली का चलो बैठो बैठो। मालिक मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी का क्रियाकर्म करने वाला हूँ। ये सुबह सुबह कैसी अशुभ बातें करते हैं आप, मैंने आपको यहाँ अच्छे काम के लिए बुलाया है, हमें शादी के लिए लड़की चाहिए। क्या आपको लड़की चाहिए? मेरे लिए नहीं नरसिम्हा। क्या नरसिम्हा और शादी करेगा? अरे ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी की शादी ऐसे हिंसक आदमी से करवाएगा, जो लड़की शादी करेगी उसके तो भाग फूटे, किसी लड़की की जिंदगी क्यों खराब। चुप कराइए इसे। चुप कर, ज्यादा बोल मत, ये मनहूस हमेशा मेरा नाम मिट्टी में मिला देता है, काम करना काज कर, अरे दुश्मन अनाज का। मालिक रिश्ते तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन जैसी आपकी हैसियत है सामने वाले से वैसे ही रकम वसूलेंगे ना। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है,
हमें तो नरसिम्हा के लिए एक सुशील लड़की चाहिए जो घर में छोटे बड़े सबका आदर करे। एक सुशील लड़की है, खूबसूरत, छल छबीली, पारिवारिक। रुकिए, मैं उसका फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, साक्षात लक्ष्मी का अवतार, धनलक्ष्मी। अब और देर मत करो। हाँ शास्त्री जी, फौरन मुहूर्त निकलवाइए। तो मैं कह रहा था मालिक, बस एक छोटी सी समस्या है। लड़की को ऐसा पति नहीं चाहिए जो हथियारों से खेलता है। बहुतों को रिजेक्ट कर चुकी। तुम तो जानते हो नरसिम्हा ने आज तक हाथ में ब्लेड नहीं पकड़ा। वो तो तलवार खंजर। शास्त्री जी, मेरी बहू वही बननी चाहिए बस। पर अगर मैंने उसे मना कर दिया तो? जूनियर शास्त्री। हाँ मालिक। तुम्हें मौत की विधि पढ़नी आती है। मालिक, मैं हूँ ना, आप आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, लेकिन आपके लिए बोलूंगा। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे होते हुए इस शादी को रोक सके। भीमा, ये कब तक ठीक होंगे? जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सुन जी, वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से शेर की खाल हटा वहाँ से। जी मालिक। और तू? जी मालिक। जो कचरा जल्दी साफ कर। आप चाहते हैं वहाँ से हम सब कुछ हटा दें? उसे हटा, बहू रानी को ये सारी चीजें पसंद नहीं। अच्छा? है सारी डरावनी भयानक चीजें हटा वहाँ से। मालिक, कहीं कुछ रहना नहीं चाहिए। मालिक, मोटर लेकर दो दो डॉक्टर के साथ उनके फादर आ रहे हैं। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप? सब कुशल मंगल। ये है मेरी बड़ी बेटी और ये छोटी। नमस्ते। नमस्ते। जीती रहो। आप बाहर क्या कर रही है? आप अंदर चलिए ना, अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमने सब साफ कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसकी खोपड़ी खराब हो गई है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। क्यों बे काम चोर, खुद तो एक काम नहीं करता, दूसरों को करने भी नहीं देता। ऐसे बोल की बड़ी बारीकी से घर की सफाई की है। वही तो कह रहा हूँ। अंदर चल, अंदर चल, तुझे अंदर ही दिखाता हूँ। जहाँ भी अब देखेंगी भगवान ही पाएंगी। दरवाजे की एंट्री पर भी भगवान है, यहाँ बाएं दाएं सब जगह पे भगवान है। लीजिए फूल, ये कोई घर है? बिल्कुल नहीं, ये तो कोई पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र गंगा के समान पवित्र। शेर की खाल है? क्या, शेर की खाल? आपने गलत सुन लिया, इसने कहा कटवाने हैं बाल। वहाँ देखिए, आपके होने वाले पति भी साक्षात शंकर जी का अवतार है। वो शंकर है, पार्वती। तू क्यों चुप बैठा है, तू भी कुछ बोल। चलिए ऊपर चले। इसे क्यों टांग के रखा है? नहीं, 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 अब ये काम नहीं करता, बहुत पुराना गन है, समझाइए। सुनो बेटी, डरो मत, मेरे पूर्वज जिस गन से शिकार करते थे उनकी याद में मैंने ये गन यहाँ पर लटका के रखी है। तुम कहो तो हटा दूँ इसे मैं। हटा दीजिए। गन हटाओ यहाँ से। अंकल जी, होने वाले जीजू कहाँ है? उसे शास्त्रीय संगीत में बड़ी रुचि है, और हाँ आज उसका कोई डांस कॉम्पिटिशन भी होने वाला था, शायद वही गया है। क्या हम वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं? हाँ चलते हैं। बंदूक छुपा देता हूँ। बड़े भैया, ये गन असली है कि खिलौने की? शकल से नहीं, अकल से भी गधा है, ये खिलौने की ही है। इतनी सारी गन रखने की परमिशन मिलती है क्या? कहे की परमिशन, रिश्वत दो तो सब मिलता है, बिना टेस्ट किए मैं नहीं मानूंगा। ऐसी बात है, टेस्ट करते हैं। वहां देखो, उन सब में मेरा बेटा नरसिम्हा भी है। पहचानो कौन है? कौन है वो? समझ गई, ये मेरा हीरो। वो मालिक, नरसिम्हा ने शादी में आने से मना कर दिया है। ये क्या नरसिम्हा, बहन भी जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो, चलो। मेरे भाइयों के आने तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये क्या जीजा जी, शादी आपकी हो रही है या आपके भाइयों की? जो भी हो उन्हें यहाँ होना चाहिए। शादी थोड़ी बार बार होती है, गलती सिर्फ एक बार होती है। जब तक भाई नहीं आएंगे मैं शादी नहीं। अरे ये क्या कह रहे? सुनो बेटा,
सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। माफ कीजिए पिताजी, जिस समय मेरे भाई आएंगे वही सही मुहूर्त। सुन बंधु, यहाँ पर ट्रेन और प्लेन का कोई भरोसा नहीं है, आ जाने वाले एक महीने बाद भी आ सकता है, वो छप्पर फाड़ कर तो नहीं आने वाले, फॉरन से आने में टाइम लगेगा, बाराती को दूसरी शादी में भी जाना। सुनिए, अगर बाराती रुकना चाहे तो रुके और जाना चाहे तो जाए। बेटा, पिता की बात मान, वो आते ही होंगे, तू मंडप में जाके बैठ। वो नहीं आ रहे। क्या कहा? यही सच है बेटा, मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देता लेकिन डर था कि कहीं तुम शादी के लिए मना न कर दो। ये लो तुम्हारे भाइयों की चिट्ठियां, लंदन से, अमेरिका से, यहां तक कि सऊदी अरब से तुम्हारे भाइयों ने ऐसी ही चिट्ठियां भेजी हैं। उन्हें जब अपने काम से फुर्सत मिलेगी वो कहते हैं तभी यहां आएंगे। नरसिम्हा, नरसिम्हा, वहाँ पे शादी हो रही है नहीं हो रही है कुछ पता नहीं, और तुम लोग ताता ताता बैंड बजाए जा रहे हो, या मेरी बैंड बज गई? वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि वो उनके बिना शादी करेगा। क्या मतलब कि वो शादी नहीं करेगा? यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो अपनी दोनों बेटियों के साथ मैं इसी मंडप पर अपनी जान दे दूंगा। बोलिए समधी जी, तुम लोग से कहा ना कि बैंड बजाना बंद करो, हिंदी समझ में नहीं आती क्या? क्या है मालिक, नरसिम्हा लौट आया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम मंगलाय तनु हरि। लो दुल्हन को मंगल सूत्र पहनाओ, चलो सब लोग आशीर्वाद। मालिक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मंगल ग्रह के शनि में एंटर करते ही आपका शुभ समय शुरू होगा। हाँ, मेरी बात मानो, 10:30 से पहले अपने आप को कंट्रोल करना। शास्त्री जी, इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वो रही। रुक जा। टेंशन मत लेना, मैं आस पास हूँ। हाँ, दाया पैर पहले, जल्दी से अंदर रखिए, ऐसे। यहाँ कलश को इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? दूध बहुत गर्म है जी, अगर जल्दबाजी में आपने इसे पी लिया तो मुंह चल जाएगा। अरे अरे, हाथ चल जाएगा, बर्तन भी गर्म है। बाबरे, 10:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, मेन पिक्चर शुरू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो श्रेया बेटा, 10:30 बजने में कुछ ही देर बाकी है, उससे पहले इलू उलू किया तो गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्री जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी इसलिए मैं चिल्ला रही थी। मैं तो कुछ और ही समझा था। छोटे, श्रेया के ऊपर छिपकली किस मुहूर्त में गिरी जरा देख, मुहूर्त की किताब निकाल। गवार उल्टी किताब देता है। क्या लिखा है पंडित जी? क्या हुआ जी? मैम साहब, किताब में क्या लिखा है? मैं इसे पढ़ूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए, अंडरलाइन करके रखा है। क्या लिखा है? सारे मुहूर्त सही है ना? अरे आजा मेरी जान, फटाफट। अरे बड़ी हल्की है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सुबह हो गई मामू। ये साली आधी घर वाली कहां से आ गई? दादी,
गुरुजी आप तो महागुरु निकले। एक्सक्यूज मी। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? मुझे लगता है आपका डबल कनेक्शन लग गया है। आप एक ही मोबाइल पर दो दो सिम का पूरा फायदा उठा सकते हैं गुरु। ये छोटी बहन अंदर आकर मेरे बगल में कब सोई? जब तुम्हारी बीवी बाहर गई तो छोटी बहन मौके पर चौका मार गई। तो फिर मेरी बीवी बाहर कब गई? जब छोटी बहन अंदर आई उसने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। तो मैच का फाइनल रिजल्ट 9 महीने बाद कौन सी टीम जीतती है किसे पता। कॉफी आपके लिए कॉफी लाई हूँ। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? ये लीजिए कॉफी पीजिए। एक मिनट रुकिए, मेरी वाली पीजिए ना। मैंने तो कॉफी बना दी, तुमने क्यों तकलीफ उठाई? मैं जानती हूँ तुम कॉफी में शक्कर बहुत डालती हो ना, इसीलिए ये कम शक्कर वाली। आपका टेस्ट अब मुझे पता है, इसे पीजिए, लाइफ बन जाएगी। दोनों कॉफी को टेस्ट कर लीजिए और दोनों में से विनर कौन है ये बता दीजिए। ये मेरी वाली कॉफी ज्यादा पसंद आई। थैंक्स जी, अब ये वाली मैं पीऊंगी। हाँ अरे संध्या, वो कॉफी तुम्हारे लिए नहीं है। महागुरु, रात को जो आपने दूध पिया था कहीं उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं था? गई भैंस पानी में, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। 3 महीने रुको, इस मैच का रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। नमस्ते नरसिम्हा जी। नमस्ते। नमस्ते। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान के पैर छूने के बजाय मेरे पति के पैर क्यों छू रहे हैं? जो राक्षस का वध करता है वही तो भगवान होता है ना। राक्षस का नाम ये राक्षस आ गया। राधे जी मालिक, बहू को भगवान के दर्शन के लिए अंदर ले जाओ। चलिए, पर इनकी प्रदक्षिणा खत्म नहीं हुई। बहू को ले जाओ। पंडित जी, जब बुजुर्ग को समझाते तो उसी की बात को मानना चाहिए ना। चलो चलो चलो। अरे पर इनको वैसे ये बुजुर्ग कौन है? तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। ओहो, दुश्मन और बहू की मुलाकात ना हो इसलिए उन्हें अंदर भेज दिया। पंडित जी अंदर चलिए, अंदर बहुत खूबसूरत शंकर जी की मूर्ति है, अब जल्दी चलिए। ओम भूर्भुवस्व। पिताजी क्या हुआ? नरसिम्हा यो ना प्रचो। भैया ये वही है जिसने तुम्हारी बहन को विधवा बनाया। तुम लोग मंदिर जाओ, मैं इससे उल्टी परिक्रमा करवाता हूँ। स्त्री के लिए उसका पल्लू इज्जत की निशानी होती है और एक मर्द के लिए उसका पंचा इज्जत की निशानी होती है। अपनी इज्जत को जरा संभालिए। नाम है मेरा कुंवर प्रताप सिंह। मेरी बहन को तूने विधवा बनाया। मेरी बहन के पति को तूने सरेआम मारकर तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने वचन लिया है, जब तक तेरे शरीर के टुकड़े नहीं कर देता चैन से नहीं सोऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? पुराने दोस्त है ना, ऐसे ही मिलते हैं। आप चलिए ना भाभी जी, आप अंदर चलिए। ऐसी गलती मत करना वरना काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। मंदिर में खड़ा है इसीलिए बच गया। बहाना छोड़, तू चाहता है तो तेरे इलाके में भी आ सकता हूँ। जहाँ तू बोलेगा ये बंदा वहाँ हाजिर हो जाएगा। जिस वक्त तू बताएगा ये बंदा हाजिर हो जाएगा, फिर देखते हैं कि साला कौन मर्द है। मेरा गुस्सा ही काफी है तुझे यहाँ से शमशान पहुँचाने के लिए। यहाँ नारियल फोड़िए, मनोकामना पूरी होगी। हटो हटो, ठाकुरान को आने दो। तुमने देखा, ठाकुरायन विधवा होने के बावजूद पूजा में शामिल हो रही है। और नहीं तो क्या, उसने अभी तक मंगलसूत्र भी नहीं उतारा। कलयुग है कलयुग। सुनिए, मैं नहीं जानती कि आप कौन है, पर लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक विधवा को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, तो जब आप घर जाएं इसे उतार दीजिए। ये तो जरूर उतरेगा, लेकिन उससे पहले तेरा पति मरेगा, क्योंकि वही मेरे पति का कातिल है। हाय राम, मेरे पति इतने अच्छे इंसान है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ऊपर वाला जिंदगी देता है पर तुम्हारा पति जिंदगी छीनता है। किसी भी औरत का सुहाग उजाड़ना तुम्हारे जालिम बेरहम पति के बाहर का खेल है। तुम्हारे विधवा बनते ही
मेरी विधवा बहन अपनी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र निकालेगी। बहुत जल्दी ही वह दिन आने वाला है। बेटी श्रेया, तुम यही सोच रही होगी कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। मुझे पता है तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे आदर्श मुझसे ये सवाल पूछने को तुम्हें रोक रहे हैं। बेटी, हम सांप को दूध पिलाते हैं क्योंकि हम उसे देवता मानते हैं, पर जानती हो वही सांप दूसरों के लिए कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। इसी तरह से दुनिया वालों ने मेरे बेटे नरसिम्हा का केवल उग्र अवतार ही देखा है, लेकिन अंदर से वही नरसिम्हा बहुत ही मासूम और नरम दिल का है। शायद इसीलिए हमें कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए राम जैसा पति चाहता है, एक ऐसा पति जो सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर हो, भगत सिंह जैसा दिलेर हो, जाबाज हो, देशभक्त हो, लेकिन जब समाज कल्याण की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। पर मेरा नरसिम्हा देश और समाज कल्याण के लिए जी जान से लड़ रहा है। बेटी, मुझे गर्व है कि ऐसा बहादुर बेटा मेरे घर में पैदा हुआ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोषी हूं, नरसिम्हा से शादी करवा के मैंने गलती की है, तो मुझे हर सजा मंजूर है, लेकिन इसमें नरसिम्हा की कोई गलती नहीं है बेटी। इसलिए बस इतना ही चाहूंगा कि तुम एक आदर्श पत्नी बनकर अपने पति से मरते दम तक प्यार करो। आगे तुम्हारी मर्जी। गुरु तो लुट गए, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। पूरा ध्यान सिर्फ संध्या ने आपको बुलाया है। संध्या, प्लीज रो मत, रो मत, रो मत। मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर वो जो बच्चा आएगा वो तो रोएगा ना? हाँ वो तो रोएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तो तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ। पहले इसका कुछ करो। बोलिए, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? फिर से? मतलब क्या मुझे स्टेपनी बना के रखोगे? सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। टाइम दूंगी तो ये सिक्स पैक फैमिली पैक बन जाएगा। चुपके से शादी कर लो। इसमें इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने धोखा दिया, अब मैं दीदी को जाके बताती हूँ। दीदी, दीदी, तुम कहाँ रह गई थी? एक ग्लास पानी लाने को कहा था ना, कितनी देर हो गई? क्या हुआ, टेंशन हो रहा है? सुना था सारा गांव आपके नाम से थरथर कांपता है। अपनी शक्ल तो देखिए, पसीने छूट रहे हैं। सच तो ये है कि दीदी प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जल्दी ही दीदी माँ बनने वाली है। ये सच है? बदमाश, बड़ा मजा आ रहा था ना मुझे सताने में। मुझसे शादी कर लो, मुझे हमेशा बलि का बकरा बनाती फिरती हो। शैतान कहीं की। मारा क्यों? मैं मजाक ही तो कर रही थी। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? आप एक छोटे से बच्चे के दादाजी बनने वाले हो। शाबाश। क्यों बेटी? उसे शर्म आ रही है। बच्चा बहू को होने वाला है, लेकिन शर्मा तुम रही हो जैसे तुम माँ बनने वाली हो। पीछे बहू, बेटा मुझ जैसा होना चाहिए, हैंडसम। क्या कर रहे हो? जरा तुम उस तरफ मुड़ना। जीजू। और तुम जरा इस तरफ मुड़ना। पूजा का वक्त हो गया है, होने वाला पिता कहाँ गया? नरसिम्हा, नरसिम्हा, मंदिर में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने गए हैं। हो सकता है आधे वक्त कोई हादसा हो गया हो। बंद कर अपनी काली जबान। जब भी बोलता है वो। शास्त्री जी, आप इसको हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं? क्या यहाँ से मनहूस, मुझे तेरी वजह से सुनना पड़ता है। राम राम राम, तू जब भी बोलता है कुछ ना कुछ उल्टा होता है। मुंह बंद रख। नमस्ते पिताजी। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, पूजा शुरू होने वाली है। चलो रुक जाओ, कोई अंदर नहीं आएगा, और एक कदम भी बढ़ाए तो अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो गए? आप बीच में मत बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़। भैया, यह मेरी पत्नी।
नमस्ते करो सबको। ये क्या दर्शन? इन सबको डरा दिया, अंदर नहीं मिलवा सकते थे क्या? वो क्या है ना पिताजी, ये लोग मेरी शादी में नहीं आए थे ना, तो इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। सुनिए भैया, एक एक करके पैर इसमें रखिए, मैं पैर धोऊंगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए पैर रखिए। श्रेया तुम भी आओ। जूते तो उतारो, तुम भारत में हो। हाँ जल्दी आओ, बड़ा भाई पिता के समान होता है। चलो आओ पैर धो इनके। चलो मैं पानी डाल रहा हूँ, तुम ठीक से पैर धोना। What is this nonsense? ये कैसी परंपरा है? कहीं ये हमारे पैर तो नहीं धोएंगे ना? मेरी तो महंगी नेल पॉलिश निकल जाएगी, मैं नहीं धोने दूंगी। क्या भाई, ये कितना ओल्ड फैशन है। तो क्या हुआ भैया, आप बस हम छोटों को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बैठो। It's okay, it's okay. श्रेया, हाँ? जो जो कहा था सब बनाया है ना? हाँ, सब बनाया है। यहाँ बैठिए। बेटा खाना खाते वक्त नहीं उठते, बैठो। भाभी कोई बात नहीं, मैं वहाँ कोने में बैठ कर खा लूंगा। अरे अरे तू बैठ। श्रेया ये लीजिए खाना। सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, मेरे भैया हैं, सारे तो अपने हैं। बेटा वेंकट, तुम हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहे? दादाजी मेरा नाम बदल गया है, बोनी। हा? बोनी बुलाइए। पर वेंकट तुम्हें अपना नाम बदलने की क्या जरूरत थी? बेटा इसका नाम क्यों बदला? वो क्या है ना पिताजी, आपका नाम काफी ओल्ड फैशन लग रहा था पिताजी, इसलिए हमने बदल कर मॉडर्न नाम रख दिया। हाँ पिताजी। चुप कर, क्या खाक मॉडर्न? हमारे वो जोशी साहब है ना, जिनके यहाँ तुम बचपन में खेलते थे, उनके कुत्ते का नाम भी बोनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नाम नहीं है, बोनी भी कोई नाम होता है क्या? इससे अच्छा तो हमारे पिताजी का नाम है, वही रख लेते। हाँ हाँ, अब तुम जैसा देहाती बताएगा हमें कि नाम कैसे रखते हैं। अरे पिताजी क्या हुआ, आप खाना तो खा लीजिए। इन सबको अच्छी तरह से खिलाओ, वैसे इन सब की फिरंगी बातें सुनकर मेरा पेट भर गया है। तुमने उन्हें थोड़ी कुछ। चाचा आपके दांत बहुत स्ट्रांग है ना, इस हड्डी को तोड़ सकते हैं? अगर ना तोड़ सका तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, लाओ दो मुझे। ये लो। ये क्या कर रहे हो? अमेरिका में रहकर तुमने यही सीखा, इनका झूठा खाओगे? अगर तुम्हें इनकी कोई बीमारी लग गई तो। भाभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्टील बॉडी हूँ। तो क्या हुआ, तुम एक बच्ची को अपना झूठा खिलाओगे? तू चल और हाथ धो। जी जी, इस गंदे माहौल में हम और हमारे बच्चे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, हमें जल्दी से रिटर्न टिकट बुक करानी चाहिए। चाचा, हाय चाचा। इतनी रात को तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है, पूछो। ये चीज क्या है? चॉकलेट। मैं कहता हूँ ये चॉकलेट नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो, ये चॉकलेट ही है। जरा चक्कर बताइए। हाँ चॉकलेट ही है। हाँ मुझे पता था ये चॉकलेट ही है। अरे कोई देख लेगा तो? मेरी मम्मी नहीं देख रही है। मेरी मम्मी ने आपको बहुत इंसल्ट किया ना, इसलिए मैं आपका मूड ठीक करने आया हूँ। मेरी मम्मी को बात करना बिल्कुल नहीं आता, आप बुरा मत मानिएगा चाचू। I love you चाचू। नरसिम्हा। हाँ भैया। Do you know what is this? This is cell phone. You insert a small chip in this, which activates automatically. Then you can. काला अक्षर भैंस बराबर। चाचा जब तीर फेंकते हैं ना तो 1 किलोमीटर दूर जाता है, आप तीर फेंकेंगे तो यहीं पर गिर जाएगा। ए, हाँ। बड़ों के बीच में क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ खेलो। हाँ जाओ। जानते हो जाओ। ये हम तुम्हारे लिए खास तौर पर अमेरिका से लाए हैं, टेक इट। ये यहाँ काम करेगा? हाँ, 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 100% करेगा, ट्राई तो करो। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद ना हो पर हमें तो है, हम लोगों को इस कंपाउंड से बाहर जाने के लिए सख्त मना किया गया है, अगर हमें अर्जेंसी में जरूरत होगी तो हम आसानी से तुमसे कांटेक्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ भाई, जैसे ही बजेगा मैं आपके पास पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा, ये एक भाई का भाई से वादा है। क्यों जी, इतना पैसा आ गया कि मोबाइल गरीबों में बांट रहे हो? बात समझो जाने मन, मैं उसे बेवकूफ बना रहा था, अमेरिका से हम कोई नौकर लेकर के तो आए नहीं है, वो उसकी जरूरत पूरी करेगा। अरे ये हमें क्या खिला रही हो,
हमारी हेल्थ के बारे में तो सोचो। आपके भाई का कहना है कि ये सब पकवान आपको वहाँ नहीं मिलते होंगे। वो तो पागल है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा पागल निकली। अभी तो उस पागल से शादी कर लिया है। क्यों जी, आपका भाई आपकी तरह पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? अरे वो बचपन से डफर था, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था नहीं, तो डैडी ने खेती बाड़ी में लगा दिया। करेक्ट करेक्ट। सुनो विजया, तुम्हें याद है क्या तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि नरसिम्हा की शादी होगी नहीं? उनकी बात क्या करते हो, हमें भी तो यही लग रहा था कि उस अनपढ़ गवार की शादी कभी नहीं होगी। कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा? मैडम की भी शादी नहीं हो रही होगी, इसलिए उस इडियट को पकड़ लिया। अरे छोड़ो ये सब, उस गधे को तो लव का ABCD तक नहीं पता। मुझे ताज्जुब हुआ जब ये प्रेग्नेंट हुई, बड़ा चमत्कार है भाई। आप लोगों ने मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माना वो आप लोगों की तरह कीमती सूट नहीं पहनते, महंगी गाड़ियों में नहीं चलते, पर लोग यहाँ उनकी पूजा करते हैं। आप कहते कि मेरे पति पागल है? हाँ है, क्योंकि वो आप सबकी असलियत नहीं जानते, ये नहीं जानते कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्यों भैया, आप तो काफी कुछ कह रहे थे कि मेरे पति गुंडे मवाली हैं। भूल गए आप, जब हर परिवार का एक बच्चा इस गांव की हिफाजत के लिए बलिदान हो रहा था, तब परिवारों में से सबसे बड़ा बेटा आगे जा रहा था। आप सब मेरे पति के बड़े भाई हैं, पर आप लोगों ने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। अगर इन्होंने बलिदान नहीं दिया होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सब गाँव छोड़कर विदेश में सेटल नहीं हो सकते थे। अगर वो ना होते तो क्या आप लोग इस गाँव में कदम रख पाते? अगर वो आपके साथ एयरपोर्ट ना जाए तो आप लोग गाँव छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाएंगे। And what did you say? You think my husband doesn't know ABCD of love? What do you know about love? You feel that the ultimate enjoyment between husband and wife lies inside the bedroom itself? Definitely not. Enjoyment is only a minor part of life. Major part of life is love and affection. You prefer the former, I prefer the latter. आप लोग जानते हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं? उनके दिल में झांककर देखने की कोशिश तो कीजिए। उन्होंने आपके लिए कितना त्याग किया है? उनके शरीर के घाव जाकर देखें तो पता चलेगा। अगर मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी कहा आपने तो मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने, वो उन्हीं हाथों से तुम्हारा खून करेगी जिनसे तुम्हारे पैर धोए थे। इसे कहते हैं पति के लिए इज्जत। इन्हें भी कुछ सिखाओ, वरना सारी जिंदगी इनके लिए लिपस्टिक पाउडर खरीदने में निकल जाएगी। डर्टी इंडिया, डर्टी विलेज, ये सब जब तुम्हारी बीवियां कह रही थी तब तुम चुपचाप सुन रहे थे और अपने आप को मर्द कहते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। और हाँ, गलती से भी कभी मेरे इंडिया को डर्टी मत कहना। डर्टी तो तुम हो, तुम डर्टी रास्कल्स। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, सब कुछ लाकर यहाँ रख दो। ताजा ताजा पेड़ से तोड़ के लाए, आपके यहाँ नहीं मिलेंगे। वो बादाम है दिमाग तेज करने के लिए, ये केले और सीताफल इतने मीठे हैं कि क्या बताऊं। ये सब कुछ आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसमें लीची है, इसमें सेब है। क्या हुआ भैया, मुझसे कोई गलती हो गई? बंद कर अपना ये नाटक, तुझे क्या लगता है हम यहाँ तेरे रहमो करम पर जीने नहीं आए? तुझे क्या लगता है हम तेरी वजह से जिंदा है? हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए लाखों रुपए खर्च करके अब आए हैं। ये सोचा कि गोद भराई की रस्म भी देखते जाएंगे, लेकिन मन भर गया भाई। किसी ने आपसे बदतमीजी की क्या? आके तुम्हारे भाई किसी काम के नहीं। किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने। उसने ये भी कहा कि वो सभी भाइयों को मार डालेगी। श्रेया बाहर आओ, यहाँ आओ। तुमने कायर का भैया को? पहले उनसे पूछिए मैंने ऐसा क्यों कहा। क्या तुमने उनसे कहा कि तुम उन्हें मार डालोगी? नरसिम्हा, ये क्या कर रहे हो? गर्भवती औरत पर हाथ उठा रहे हो? आप नहीं जानते, इसने मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी की है। सुनो, चलो उनके पैर छुओ, पैर छुओ। मैं इन लोगों के पैर नहीं छूंगी, इनको आपके पैर छूने चाहिए। मुझसे ज़बान लड़ाती है। उस बेचारी से कहीं ज्यादा मैंने इन सब की बेइज्जती की, क्या मुझसे भी कहोगे कि मैं इन सब के पैर छूं? नहीं नहीं, आप तो हम सबसे बड़े हैं, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप उनके पैर छूए? पर इसे क्या हक है? घर की बहू है, छोटी है, बड़ों से इस तरह कैसे पेश आ सकती है? आपके संस्कार ने इसे बचा लिया, वरना जी तो कर रहा है इन हाथों से इसका गला घोट दूं। इसकी जो हद है, अगर ये उसी में रहे तो इसके लिए बेहतर होगा। सुनो, या तो पैर पड़ो या फिर मुझसे रिश्ता तोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। इससे कहिए चली जाए, अगर ये नहीं गई, मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी, तो हो सकता है कि मैं इसका खून कर दूं। इससे बोलो चली जाए, चली जाए, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं, निकल जाओ।
मुझे उस वक्त बुरा नहीं लगा था जब आपके पिताजी ने शादी के लिए झूठ कहा था। मुझे उस वक्त भी बुरा नहीं लगा जब आपने मेरे दिए हुए कपड़े पहनने से इनकार किया, पर आज बिना सच्चाई जाने आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। जिन बड़े भाइयों को आप भगवान की तरह पूछते हैं, उनकी नजरों में आप कुछ नहीं। उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया। दादाजी, रोना बंद करो बेटी। वैसे भी बेटी की पहली डिलीवरी माँ बाप के घर पर ही तो होती है, शायद भगवान की ही मर्जी थी इसलिए तो ये सब हुआ। जीजा जी का गुस्सा कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। दीदी तुम चिंता मत करो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पति को। बहन, तुम्हारे पास बहुत पैसा है जिससे तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकती हो, मगर शांति नहीं। जिस नरसिम्हा ने तुम्हारी ये हालत की है, वक्त आ गया उसे मौत के घाट उतारने का। उस नरसिम्हा के पूरे परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मौत के घाट उतारूंगा। बहन, बाहर चलो, बाहर चलो और सूर्य उदय देखो, क्योंकि सूर्यास्त से पहले ही मैं उस नरसिम्हा के पूरे परिवार को मैं शमशान पहुंचा दूंगा। इस पागल को क्या हुआ, गूंगा हो गया क्या? इन्होंने मौन व्रत रखा, आज कुछ नहीं बोलेंगे। पर ये कहना क्या चाहता है? हम अपने साथ लड्डू लाए हैं, इसलिए फटाफट खाए और हमें गुरु दक्षिणा दीजिए, जल्दी कीजिए। गुरु दक्षिणा चाहिए? गुरु दक्षिणा? हंस कर दिया मुझे। कितने मुश्किल से पिछले आधे घंटे से मौन व्रत रखा था। सुनिए, मौका बड़ा अच्छा है, शगुन भी बड़ा अच्छा है। संध्या, नरसिम्हा जी को लड्डू खिलाओ, वो पापा बन गए, रघुपति जी भी दादा बन गए हैं, चलो उन्हें भी खिलाओ। पहले ये तो बताओ कि घर में आया कौन है, राजकुमार या राजकुमारी? ये क्या मालिक, आपने क्या कहा था, भूल गए? अंदर आपने मुझे ऊपर करते हुए कहा था कि पोता दादा जैसा हैंडसम होना चाहिए, तो मैंने भी आपको कोरे कागज पर लिख कर दिया था, आपको एक हैंडसम पोता होगा। इन्हें बताओ कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। चलो इनको लड्डू खिलाओ जल्दी। कांग्रेचुलेशंस जीजा जी। ये क्या, आप कहीं खुशी छुपा तो नहीं रहे हो? ओहो, अब समझी, आपने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है ना? बेटा हुआ है जीजू, अब तो मुस्कुरा दो। नमस्कार रघु जी, कैसे हैं आप? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कोई खास बात? कुछ खास नहीं। तो फिर यहाँ आने की वजह क्या है? हमने इन्हें बुलाया। लेकिन क्यों बेटा? हमारी सिक्योरिटी के लिए पिताजी। सिक्योरिटी? लेकिन तुम्हें किस बात का खतरा? वापस जाते समय किसी ने अटैक कर दिया तो? तुम वापस जा रहे हो? जब मैं पूछ रहा हूं तब तुम मुझे बता रहे हो? रिटर्न टिकट्स कंफर्म होने के बाद ही तो बताएंगे। अच्छा, नरसिम्हा को बिना बताए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हम तैयार हैं। भूलो मत, नरसिम्हा को बेटा हुआ है, उसकी औलाद को आशीर्वाद देना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता। लेकिन टिकट्स कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। तुम उसके बेटे के लिए अपनी टिकट नहीं कैंसिल करवा सकते, और वो तुम लोगों के लिए अपनी शादी कैंसिल करवा रहा था। मैंने उसे समझाया, मिन्नतें की, तब जाकर उसने तुम्हारी फोटो रखकर शादी की, और उसके बच्चे के लिए तुम लोगों के पास वक्त नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बेचारा, जानते हो वो तुम लोगों से कितना प्यार करता है? सॉरी पिताजी, इन बकवास बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। रुक जाइए भैया। भैया, मैं जानता हूँ कि आप लोग श्रेया की बातों का बुरा मानकर जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं अपने बेटे को जाकर ना मिलूं, लेकिन आप लोग इस तरह गांव से बाहर नहीं जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। क्यों ना जाएं? गोवर प्रताप के लोग आपको मारना चाहते हैं। आप लोग कब यहां से बाहर निकले, वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की बात मान लीजिए। क्या कहा? तुम भी अपनी पत्नी की तरह अपने भाइयों को कमजोर समझते हो? तुम ये सोच रहे हो कि हम सब कायर हैं, तुम्हारे बगैर यहाँ से जा नहीं सकते? डैडी, डैडी, डर लग रहा है डैडी, चाचा की बात मान लीजिए ना। शट अप, कम ऑन, चलते हैं। भैया, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नरसिम्हा, बेहतर होगा रास्ते से हट जाओ, वरना हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। इंस्पेक्टर, जल्दी चलिए। सुनो, जीप निकालो, मुझे अपने पोते को देखने जाना है।
मुझे मालूम है कुंवर प्रताप सिंह सबसे पहले मुझे मौत के घाट उतारेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों मारा जाऊं? अपने बूढ़े बाप की रक्षा नहीं करोगे? मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर घर के अंदर नहीं जाऊंगा। हेलो चाचा। छोटू क्या हुआ? कुछ लोगों पे मारना चाहते हैं, हमारे पीछे पड़े। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो लोग मुसीबत में हैं, रेलवे स्टेशन जाना होगा। दरवाजा तोड़ दो। तेरा बेटा कहाँ है? मेरे पिताजी हॉस्पिटल ले गए हैं उसे। आप लोग डरिए मत, मैं हूँ ना। चलिए चलिए, इस तरफ आइए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। चलिए चलिए, पीछे मुड़ जाइए, पीछे मुड़ जाइए। Yeah!
चलिए 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 अंदर चलिए, फिक्र मत कीजिए मैं सबसे निपटूंगा, चलिए। ये सिग्नल खड़ा क्यों नहीं हो रहा? अगर सिग्नल छूट गया तो तुझे काट कर रख दूंगा। सर, कुंवर प्रताप के आदमी मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी जान की रक्षा करूंगा, आप बस ट्रेन का सिग्नल हरा कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए। चाचा, चाचा। नहीं भैया, आप लोग माफी मत मांगिए, आपको ये शोभा नहीं देता, आप लोग आराम से जाइए। ये लो, हम दिल के गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। जल्दी जाओ, देखो वो ठीक तो है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। श्रेया बेटी, मुझे पता है मैं अब और ज्यादा नहीं जीने पाई। संध्या दीदी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं अपने माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाऊंगी, ये मेरी बदकिस्मती है। मालिक, बाहर नरसिम्हा जी आए हैं। क्या आपका काम पूरा हो गया पिताजी? एक बार अंदर तो चलो। आप मुझे मजबूर मत कीजिए पिताजी, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। ये कैसा अहंकार है, तुम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते जबकि वो आखिरी सांसें गिन रही है। कुंवर प्रताप सिंह तुम्हारे बेटे को मारने आया था और बेटा नहीं मिला तो तुम्हारी पत्नी पर वार करके। आप आ गए। श्रेया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये आपको क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ श्रेया, चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। आप यहाँ बैठिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी तो यही इच्छा थी कि मैं आपके साथ लंबी जिंदगी बिताऊं, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं। ये हमारा बेटा, उन लोगों ने मुझे मारा, पर आप उनसे बदला मत लीजिएगा, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए। आप वादा कीजिए कि आप
आप इन सबसे दूर रहेंगे। माफ कीजिए। बेटी ये नहीं हो सकता। नरसिम्हा, उसे मारने चले हो, फेंक दो ये कुल्हाड़ी। बेटा, ये सारा मेरा ही दोष है। मैंने ही तुम्हें अपने गांव की रक्षा करने के लिए इस राह पर चलने को कहा था, पर अब मैं पछता रहा हूँ। पिताजी, जाओ बेटा, इस घर को, गांव को, सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। बहू श्रेया की आखिरी इच्छा पूरी करो, उसके त्याग और बलिदान की खातिर चले जाओ। हमारे लिए तुमने बहुत दुख और तकलीफें झेली हैं बेटा, अब बाकी जिंदगी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी गुजारो, यही मेरी तमन्ना है। पिताजी, मैं और कितने दिन जीऊंगा बेटा? मेरी जिंदगी की लौ कभी भी बुझ सकती है। तुम्हारे बेटे का तो अभी जन्म हुआ है, तुम्हें कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? चले जाओ, अपने बच्चे के भविष्य के लिए चले जाओ। नरसिम्हा ने अपनी जिंदगी नई जगह पर नए सिरे से शुरू की। अपना दिल बहलाने के लिए डांस क्लास खोल लिया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ए, जल्दी करो, इस तरह खड़े क्यों हो तुम? जाकर लड़ने को तैयार करो। भैया, आपको याद है ना, 9:40 पर हमें अंजलि के नाम की। सर, मैं रेलवे स्टेशन जाकर आया, बेबी के कपड़े ट्रेन से नहीं आए। क्या कह रहे हो, ये नामुमकिन है। आज तो ठाकुर साहब की बेटी अंजलि का जन्मदिन है और तुम कहते हो कपड़े नहीं आए। उन्होंने जरूर भेजे होंगे। सुनो बेटा, जरा ठाकुर साहब को फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। हेलो। फोन लग गया। लग गया? ठाकुर साहब, कैसे हो? इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी दम है। अंजलि को फोन देना, अंजलि बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने अंजलि के नए जन्मदिन वाले कपड़े नहीं भेजे? अगर अंजलि बेटी को पता चल गया तो आप जानते हैं ना क्या होगा। आप तो वहाँ हो, हमारी यहाँ बैंड बज जाएगी। उसके नए कपड़े मुश्तक की देर से पहुँचे, लेकिन मैंने हेलीकॉप्टर से भिजवा दिए। अंजलि के कपड़े हेलीकॉप्टर से भेजे? इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी भैया? अंजलि बिटिया के आगे इन पैसों की कोई कीमत नहीं है। जरा बाहर जाकर देखो, हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका होगा। चलो, सामान आ गया, प्लीज उतार लीजिए। सामान आ गया, चलो सामान निकालो। चलो चलो, ले चलो, ले चलो। हाँ चलो चलो, ये भी। अब टेंशन दूर हुआ। अंजलि के कपड़े आ गए? अरे, ये लोग वही सामान तो ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ठाकुर साहब ने भेजे हैं। अब उसे राजकुमारी की तरह तैयार करो। अंजलि, तुम्हारे पिताजी ने ये ड्रेस तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर हेलीकॉप्टर से भिजवाया है। आई लव यू डैडी। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद ड्रेस मिल गया ना, अब तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। क्या तू डांस मास्टर है? मैं शक्ल से मास्टर जी लगता हूँ, मैं बजाने का काम करता हूँ। मास्टर जी अंदर है। डांस मास्टर,
बाहर निकल। सिंघानिया साहब ने तुझे बुलाया है। उनसे कहो अगर मिलना है तो यहाँ पर आए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं समझाता हूँ। बेटा, सिंघानिया साहब कोई आम इंसान नहीं है, बहुत बड़े जमींदार हैं। दो मिनट जाकर मिलकर आओ। चाचा सही कह रहे हैं, तुम एक बार जाकर उनसे मिलकर आओ। तुम्हारे वहाँ जाने में ही हम सब लोगों की भलाई है, वरना राज खुल जाएगा गुरु। हेलो, ये तो जवान निकला, हमें तो लगा कोई बुढ़ा डांस मास्टर होगा। सुना है अच्छा डांस करते हो, कहाँ से सीखा तुमने? अपने गुरु से। पूरे 50,000 देंगे हम तुम्हें, स्कूल बंद करके अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ पर आ जाओ, ताकि तुम अच्छी तरह से सिर्फ हमारी बहन को डांस सिखा सको। मुझे मंजूर नहीं। 1,00,000 में तो तैयार हो जाओगे ना? अगर 2,00,000 दोगे तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसे डांस सीखना है तो उसे मेरी सहूलियत के हिसाब से सीखना होगा। सुनो मास्टर, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हें उसे यही सिखाना होगा। अगर मामा इतना बदतमीज है तो फिर भांजी कैसी होगी? किसी की ये मजाल नहीं कि हमारे घर में आके हमसे बदतमीजी करे। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, एक गुरु को बुलाकर उसके हुनर की बेइज्जती कर रहे हैं। हे, दो कौड़ी के डांस टीचर होकर तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हारी हैसियत क्या है? साफ साफ बता दूं कि मैं सिर्फ एक डांस टीचर नहीं, जरूरत पड़े तो मैं तुम सबकी खटिया भी खड़ी कर सकता हूँ। तुम ना सिखाओ तो क्या वो डांस नहीं सीखेगी? जरूर सीखेगी, पर डांस सिर्फ शौक पूरा करने के लिए नहीं सीखा जाता। डांस एक खूबसूरत कला है जो बाजार में बिकती नहीं है। आंखों से अभिनय की कला, लोगों में जागरूकता लाने की कला। इस कला की ताकत से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। इस कला से कितने लोगों को शोहरत मिली है। हमारी ये कला एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, जो आप जैसे अहंकारी इंसान के लिए नहीं है। hey, बंद करो अपनी ये बकवास। सुनो, कैसी जबान है वैसे ही जवाब मिलेगा। मेरी शराफत को कमजोरी मत समझना, शराफत उतरी तो कोई नहीं बचेगा। hey, इस घर में कौन कब आएगा और कौन कब बाहर जाएगा ये हम तय करेंगे, समझे? अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ के पेट में सीखा था, मैं भी अभिमन्यु से कम नहीं। ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां किसी और को जाकर देना, बुजदिल की औलाद। ए, इसके पीछे कुत्ते छोड़ो। पहले अपने कुत्तों से सीखो कि किस तरह इज्जत दी जाती है, फिर अपनी भांजी को भरतनाट्यम सिखाने के बारे में सोचना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, फीस। पर तुमने तो अपनी फीस भर दी है। ये मेरी फीस नहीं है सर, अंजलि की है। बेटी, कमर को ऐसे पकड़ना होता है। ये क्या, तुम किन ख्यालों में खो गई? बेटी मेरी तरफ ध्यान दो, हाथ को कमर पर रख के इस तरह पैर उठाओ। बेटी, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ है। मुझे घूरती रहोगी तो कुछ नहीं सीखोगी। दोनों हाथ यहाँ कमर पर रखो, पैर इस तरह से ऊपर। अरे हाथ छोड़ दिया, हाथ कमर पर रखो और सीधी खड़ी रहो। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है मैडम। रुको, यहाँ पर नहीं, उस पहाड़ी पर जाकर रियाज करो।
अंजलि, ये क्या है? नए कपड़े हैं। किसने मंगवाया? इन्हें मैं लाई हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए एक छोटा सा तोहफा। मेरी बात मानिए, आप इन कपड़ों में और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। नहीं चाहिए, ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ए, जरा सुनो, एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो वो इतना भड़क गए? भड़केंगे ना, शायद उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई होगी। क्या वो शादीशुदा है? शादीशुदा? उनका तो एक बेटा भी है। तो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो बेटा गुरुजी का है। ओए होए, तुम्हें कैसे लगा कि मैं बेटा पैदा करने लायक हूँ? तो फिर उनकी पत्नी कहाँ है? राधे जी, बाबूलाल तुम भी, तुम कह रहे थे यहाँ पर सामान की कमी हो रही है। हाँ। चलो शहर चल के ले आते हैं। हाँ। आप रोहन के पास रहिए ना, हम जाकर ले आते हैं। चिंता मत करो, बच्चे को दीक्षित काका संभाल रहे हैं। तुम दोनों चलो। हाँ। चलो लो बेटा, ये लो। काका, इसके साथ खेल सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बेटी, अगर ये ज्यादा रोए तो दूध की बोतल वहाँ रखी है, मैं चलता हूँ। ओके। उतरते हो, मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा। चलो गुरु को बता। सिर्फ हम जानते हैं कि गुरु जी यहाँ क्यों आए। अगर उन दोनों का आमना सामना हो गया तो समझ लो गई भैंस पानी में। तो फिर हम क्या करें? देखो मेरा दिल कह रहा है उन्हें बताना चाहिए। हाँ। आप हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते पापा? इसकी एक वजह है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो बहुत ही खतरनाक शख्स है। जब तक मैं उसे ढूंढ कर ना निकाल लूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आपकी बहन और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अंजलि बिटिया यही पर रहे। इसे भी तो हम अपनी बेटी ही समझते है ना भाई साहब। आप लोग हैं तभी तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है, आप लोगों ने तो मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया है इसको। कल मैं अपनी लाडली को एक कीमती तोहफा देने वाला हूँ। रोहन क्यों रो रहा है? रोहन को भूख लगी और अंदर दूध खत्म हो गया है, 5 मिनट में जाकर लेकर आता हूँ। कीजिएगा गुरुजी, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। एक बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी माँ उसे अपना दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाती है। दूध पीकर बच्चे को तो सुकून मिलता ही है, साथ में एक माँ को भी उसके माँ होने का एहसास होता है। मैं जानती हूँ मैं इसकी माँ नहीं हूँ, पर माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, ये वादा करती हूँ। इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं, वरना ये कैसे मुमकिन है? मैडम जी, ये चमत्कार आपने कैसे किया? इससे ओ दया। कुछ दिनों पहले ही तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो फिर से ये नए कपड़े सिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है।
वाह भैया, आपके तो निकल पड़ी। बैठो बेटा। सुनो दामाद जी, ठीक से देख लो, बाद में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब मैं तो तुम्हें बतानी भूल गया बेटी, इनसे तुम्हारी शादी तय होगी। हेलो। ये क्या बदतमीजी है, ये इस तरह चली क्यों गई? क्या हमारा बेटा उसे पसंद नहीं? तुम यहाँ खड़े खड़े लेक्चर क्यों दे रही हो? जाओ उसे लेकर आओ। मैं देखता हूँ, अभी वो छोटी है, फिक्र मत करिए, मैं समझा कर लाता हूँ। तुम वहां से चली आई? ये क्या बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू? आपने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी? तो अब बता दो। शादी का अहम फैसला कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है डैड। प्यार का मोल किसी की जागीर या हेलीकॉप्टर से नहीं लगाया जा सकता। बेटा अगर ये शादी टूट गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो अंजाम देखने के लिए शायद मैं जिंदा ही ना बचूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मुस्कुराहट तो कह रही है कि अंजलि शादी के लिए राजी हो गई। हा? मुझे कैसे इनकार करेगी? तो क्या है ना, थोड़ा घबरा गई है। बहन जी, ये शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सब देखते रह जाएंगे। बोलिए, और क्या फरमाइश है आपकी? उस नरसिम्हा का कटा हुआ सर चाहिए मुझे। ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ, आपसे किया वादा पूरा होगा। इससे मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं उसे जमीन के नीचे गाड़ न दूं। उस नरसिम्हा का विनाश निश्चित है। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। आपकी पत्नी का नाम क्या है? श्रेय। सुनो राधे जी, जरा रोहन को ले आ। रोहन कहाँ गया? रोहन, रोहन नहीं है। जो भी कार्ड देखो कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अंजलि को दिखाओ, वही पसंद करी। सुनिए तो, क्या बात है, इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऊपर चलकर देखिए क्या हो रहा है। मम्मी, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो। ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। ये एक रात में अचानक बच्चा कहाँ से आ गया? ये मेरे डांस मास्टर का बेटा है, उनसे शादी करने के बाद ये मेरा बेटा बन जाएगा। सुनो अंजलि, सपने में भी ये बात मत सोचना, वरना तुम्हारे डैडी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी शादी दिवाकर के साथ तय हुई है। पर मैंने उसी दिन डैड को मना कर दिया था। शादी के इनविटेशन कार्ड्स को भी देख कर आए हैं। उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दो। भैया, कचरा है जो हम उन्हें फेंक दे? अब अगर ना कहा तो बहुत बदनामी होगी, तुम्हें शादी करनी होगी। भैया ये ऐसे नहीं मानेगी। लो बच्चा दो मुझे। नहीं भैया। रोहन, पहले ये बताओ कि इस बच्चे के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये मेरा खून है। ओहो, मतलब बच्चे का इस्तेमाल करके शॉर्टकट पे करोड़पति बनने का इरादा है? ए, क्या सोचा था तूने? हमारी बहन को फंसा लेगा, उसके जरिए करोड़ों रुपए कमाएगा, अपनी ये चाल किसी और पे आजमाना। अबे तो कौड़ी के डांस मास्टर, पहले ये बता इसकी माँ कहाँ गई? शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए उसे भी धंधे पे बिठाया क्या? सवाल संभाल कर बात करो। रोका क्यों उसे? डर गए क्या? नजरे नीचे झुका, वरना अभी इसी वक्त काट दूंगा तुझे। घूरता ऐसे रहा है जैसे मारेगा मुझे। तूने क्या सोचा था, तू करोड़ों का मालिक बन जाएगा इस बच्चे के दम पर? तेरा ये घिनौना सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे हम। देखता हूँ तो इस बच्चे को बचाता कैसे। मारो उसे! बच्चे को अंदर ले जाओ जल्दी। काका, रोहन मिल गया? मिल गया। जल्दी इसे लेकर अंदर जाइए। तुम जाकर गुरुजी की मदद करो। Ah!
माफ कर दो, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, माफ कर दो इन्हें। दिवाकर तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन बोल रहा है? दिवाकर बताइए कैसे फोन किया? आग लगा उन शादी के कांच को, घर में पेट्रोल नहीं है तो बाहर से ला और आग लगा उन सबको। आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारी होने वाली बीवी किसी और के साथ यहाँ गुलछड़े उड़ा रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हम भी वही करने गए थे पर एक बुरी शिकस्त खाकर वापस आ गए। सुनो, तुम अभी यहाँ आकर अंजलि को लेकर जाओ, वो हमारे हाथ से निकल चुकी है। अंजलि, अंजलि, hey, उस कमरे में देखो। ससुर जी, क्या? अंजलि मास्टर के साथ भाग गई। घर छोड़कर चले गए हैं। अच्छा तो आप समझा, लेटर में लिखा था कि वो शहर छोड़कर जा रही है, वो जरूर रेलवे स्टेशन गई होगी। चलो जल्दी। मेरे ख्याल से उस तरफ होगा। अब तुम यहाँ भी चली आई क्या? अपने रिश्तेदारों से हमें मौत के घाट उतरवाना है? गुरुजी की जिंदगी से खेलकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? हाथ जोड़ता हूँ तुम वापस जाओ। मैं उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के आई हूँ, ये जहाँ जाएंगे मैं भी साथ जाऊंगी। अंजलि, मैं यहाँ सुकून की जिंदगी गुजारने आया था पर अब वो मुमकिन नहीं लगता। अगर तुम मेरी जरा से भी इज्जत करती हो तो चली जाओ। दुनिया के लिए मेरी पत्नी मर गई है पर इस बच्चे में वो अब भी जिंदा है और यही मेरे जीने की वजह है। वो ट्रेन में चढ़ चुकी है, वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। चलो। We'll be right back.
सही वक्त पर पहुंच गए। ट्रेन को रुकवाओ। क्या कर रहे हो? ट्रेन को रोको। छोड़ो मत उसे, टुकड़े काट डालो साले के, मार डालो उसे और अंजलि को वापस लेकर आओ। मुझे यकीन है वो इसी ट्रेन में है। एक एक डब्बा छान मारो, ढूंढ निकालो उसे। हे मास्टर, इसे ढूंढ निकालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक बात तो हमारे हाथ लग गया तो हम तुझे जंगली कुत्तों से नोचवाएंगे। हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखा, बाहर निकल। बोलो, तुम्हारा दिवाकर के साथ क्या संबंध है? कौन हो तुम? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जवाब दो। मैं ठाकुर साहब की बेटी हूं। यहां क्यों आई हो? किसने भेजा तुम्हें? गुरुजी रुक जाइए। क्या तुम पागल हो गए हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर हमें पता होता कि तुम कुंवर प्रताप की बेटी हो तो। जी, जानती हो तुम्हारे बाप ने गुरु की जिंदगी के साथ क्या किया? जानती हो? रावण के वध के बाद ही रामायण खत्म हुई और दुर्योधन के वध के बाद महाभारत। तुम्हारे पिता को मारकर मेरी जिंदगी की अधूरी कहानी पूरी हो जाती, पर मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं हमेशा के लिए खून खराबा छोड़ दूंगा। इसलिए मैं अपना गांव, अपना सब कुछ छोड़कर यहां चला आया। पर जानती हो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? वही पुरानी दुश्मनी तुम्हारे पिता के दिल में फिर से पनपने लगी। राधे, हम गांव जाने वाली अगली ट्रेन पकड़ेंगे। शायद तुम्हारा लड़का मेरी बेटी को लेकर आ गया। स्वागत की तैयारी करो। हाँ, हाँ, जल्दी जल्दी। मेरी बेटी कहाँ है? क्या बात है? देखो, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। कहाँ है मेरी बेटी? तुम लोग एक मामूली डांस टीचर के चंगुल से मेरी बेटी को नहीं छुड़ा सके? मुझे यकीन नहीं होता। जाओ तो
जवाब तो दिवाकर। क्या जवाब दूं? वो कोई मामूली डांस मास्टर नहीं। तो कौन है वो? वो नरसिम्हा है। भैया, तुम्हें याद है कुछ साल पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था, उस नरसिम्हा को तुम ढूंढ निकालोगे और मेरे पति की मौत का बदला लोगे। लेकिन नरसिम्हा तो तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को भगा ले गया। अब वक्त आ चुका है, इसी तलवार से उसका सर कलम कर दो। हाँ। नहीं छोड़ूंगा, मैं उस कमीने के टुकड़े करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं वादा करता हूँ। ए रघुपति की औलाद, बानगस साले, कहाँ है तेरा बेटा? कितना बड़ा कार है वो, खुद को बचाने के लिए मेरी बेटी को ढाल बना रहा है। उसने अपने प्यार के जाल में मेरी बेटी को फंसाया। कैसा मर्द है वो? तुझे मार डालूंगा तो चिता में आग देने तो जरूर आएगा वो। तब मैं उससे पूछूंगा कि मेरी बेटी को कहाँ छुपाया, फिर मैं उससे भी मच्छर की तरह मसल दूंगा। किस मर्दानगी की बात कर रहे हो तुम? एक छोटे मासूम बच्चे का खून करने गए थे और खुद को मर कहते हो? मेरी बीवी को तुमने छुरा भोंक कर मार डाला, तुम मर्द हो? जानते हो जो निहत्ती अबला औरत की जान लेते हैं उन्हें मर्द नहीं कहते हैं, उन्हें नपुंसक कहते हैं। तलवार क्या उठाते हो? तलवार उठाने के लिए तुम्हारे पास मर्द जैसा जिगर ही नहीं है। फेंको उसे। जानते हो तुम जिंदा यहाँ किसकी वजह से खड़े हो? इस महान इंसान की वजह से। तुम्हें तो मैं दो मिनट में मसल दूं, तुम्हारी हड्डियां तोड़कर कुत्तों को खिला दूं। बात करता है, निकल, अपनी बेटी को भी साथ लेकर जा। ठाकुर, ये मत सोचना कि मैं डर गया। जरूरत पड़ने पर हम ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं, ये बात याद रखना। चल निकल यहाँ से। चल बेटी। पिताजी छोड़ो। नरसिम्हा, चलो। रोको, मुझे नहीं जाना। मैं दिवाकर से शादी नहीं करना चाहती। मैं मर जाऊंगी। बैठो, जल्दी। ए, क्या हो गया तुझे? जिसने तेरे बाप की बेइज्जती की उसके बच्चे को गले लगा दी। चलो उठो, चलो चलो बैठो, जल्दी चलो, जल्दी चलाओ। नरसिम्हा, बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहला शब्द वो माँ कहता है। पर अपने रोहन की बदकिस्मती तो देखो, वो बेचारा माँ कहने के लिए तरस जाएगा। बेटे, इस मासूम को माँ की कमी महसूस मत होने दो। हो सकता है श्रेया की भी यही मर्जी होती, शायद तुम्हें बीवी की जरूरत ना हो, लेकिन उसे माँ की ममता चाहिए। इस बूढ़े बाप की इज्जत के लिए तुमने कितनी कुर्बानियां दी, अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने अपने भाइयों और उनके परिवार को बचाया। अपनी बीवी श्रेया की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम ये गांव छोड़कर बहुत दूर चले गए। दूसरों के लिए जब इतना सब कुछ कर सकते हो तो क्या अपने बेटे के लिए एक मां नहीं ला सकते? राम बनकर तुमने मुझ जैसे दशरथ पिता की हर बात मानी। एक आखिरी बात भी मान लो, बच्चे की खातिर फिर एक बार शादी कर लो, अंजलि को इस घर में बहू बना कर ले आओ। अपना रोना धोना बंद करो, तुम्हारे ये आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। तुम्हें पता है एक एक दिन मैं बदले की आग में जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, और तुम उसी से प्यार कर बैठी। इस जन्म में वो ही मेरे पति है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं उसका सर काट कर तुम्हारी शादी के मंडप के बीच में टांग दूंगा, और उसकी मौत की खबर अपनी शादी की शहनाई से पहले सुनोगी। कौन है तुम लोग? ये सब क्या तमाशा है? ए, बंद करो ये बैंड बाजा। भूल गए शादी आज नहीं कल है।
किसने भेजा तुम लोगों को? तो श्रीमान, यह है रघुपति नायडू के चौथे पुत्र नरसिम्हा नायडू। कुमार प्रताप की एक लौती सुपुत्री कुमारी अंजलि का कल सुबह 10:30 बजे विवाह का शुभ मुहूर्त है। क्या बात है, आपके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है। इसी समय के हिसाब से आपने निमंत्रण पत्र भी छपवाए थे। मेरा मतलब है इन्विटेशन कार्ड। बस सिर्फ दूल्हा बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी। अगर आप शादी के लिए राजी होते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपका चौथा करने के लिए मैं ही आऊंगा और नरसिम्हा नायडू दक्षिणा देंगे। शादी होकर रहेगी मेरे गांव महालक्ष्मी नरसिम्हा के मंदिर में। आधे घंटे पहले तेरी बेटी को लेने आऊंगा, वो भी सबके सामने, चोरी छुपे नहीं। नरसिम्हा, ए दामाद का नाम इज्जत से लो। उसने कहा है तो जरूर आएगा, जैसे ही वो यहाँ आए दबोच लेना। कौन रोकेगा उसे, किसमें इतनी हिम्मत है? पहले इन लोगों ने काफी बार कोशिश की है लेकिन कोई फायदा हुआ, मार खाकर वापस आ गए। हम पर भरोसा करोगे तो हो गया कल्याण, लुटियाँ डूब गई समझो। ये कैसी बातें कर रहे हो, देखते मार डालेंगे। यहाँ जैसे ही कदम रखे जमीन में गाड़ दो। पिताजी को मारने से पहले इसने ऐसी चुनर अपने गले में डाली थी, ये जब नरसिम्हा की पूजा करके आता है तब इसके सामने कोई नहीं दिखता। रुक जाओ नरसिम्हा, आगे आने की भूल न करना तू। अपने कदम पीछे लेना या लौटकर घर जाना हमारी परंपरा नहीं। ए, मार डालो से। अरे जाओ, आगे बढ़ो। Thank you.
माफ कर दो, अंजलि वहां कमरे में है, तो उसे ले जाओ। देखो अंजलि यहाँ नहीं है, वो चली गई है, शायद हॉस्पिटल गई है। अब ये कभी भी मां नहीं बन सकती, इन्होंने अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवा लिया है। अंजलि, मैंने ये फैसला सिर्फ आपके प्यार के लिए नहीं, रोहन को एक माँ की खुशी देने के लिए भी लिया है। आपने कहा था कि आपकी जिंदगी में श्रेया के अलावा और कोई नहीं आ सकता, पर मैं वादा करती हूँ कि रोहन को श्रेया की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। क्या अब आप मेरा हाथ थामेंगे? नरसिम्हा, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी माँ बनने की होती है, और उस सुख का बलिदान इस लड़की ने तुम्हारे बेटे के लिए किया। अंजलि से बेहतर माँ तुम्हारे बेटे को नहीं मिल सकती। नरसिम्हा, मैंने तुम पर इतने जुल्म किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बीवी को मार डाला, मासूम बच्चे से मैंने उसकी माँ छीन ली, मेरी बेटी को रोहन की माँ बनाकर प्रायश्चित का एक मौका दो मुझे।